हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जंगल और शहर के बीच चलने वाले विरोध पर अपडेट का। उत्तराखंड के रामनगर में एक हाथी मंदिर की सीढ़ियों तक चढ़ने लगा, तो महाराष्ट्र में क्या हुआ देखिए। महाराष्ट्र में भालू के इंसानों के बीच पहुंचने से हड़कंप मच गया। इसीलिए हमने आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है। इसे देखने के बाद सोचिए कि हमने प्रकृति के साथ, जानवरों की जमीन जंगल के साथ कितना अन्याय किया है। कैसे उनकी जमीन में हम घुस गए और फिर उनको खतरनाक बनाकर उन्हें मार भी दिया। आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में एक हाथी रात के अंधेरे में मंदिर की सीढ़ियां उतर रहा है। दूसरी तस्वीर भी रात की है, जब एक भालू शहर में इंसानों के बीच आ पहुंचा। दोनों तस्वीरें जंगलों पर पशु पक्षियों की जमीन पर नाजायज इंसानी दखल की सच्चाई बयां कर रही हैं। नदी की धार के बीच ऊंचे मिट्टी के टीले पर मंदिर बना है, उसके नीचे खड़े इन दो हाथियों को देखिए। दोनों सूंड हिलाकर मानो अपने जंगली रास्तों को याद कर रहे हों। कुछ ही देर बाद हाथी एक नहीं बल्कि मंदिर की 20 सीढ़ियां चढ़ गया। देखिए कैसे इंसानों की तरह हाथी मंदिर की सीढ़ियों से उतर रहा है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के रामनगर के गर्जिया मंदिर की हैं, जहां 15 हाथियों का झुंड रात के अंधेरे में निकला था। बीच रास्ते में मंदिर आया तो रास्ता समझ हाथी मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ गया। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के गोंदिया जिले की हैं, जहां रात के अंधेरे में भालू जंगल से भटक कर इंसानी रिहाइश में आ गया। भालू के शहर में दाखिल होते ही लोगों में हड़कंप मच गया। रात के अंधेरे में भालू पर कोई टॉर्च मारने लगा तो कोई उसे परेशान करने लगा। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर भालू को पकड़ा और जंगल में वापस छोड़ दिया।